मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सबसे दबंग महिला नेत्री नूरी खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नूरी खान ने अपना इस्तीफा कमलनाथ को भेजा है। नूरी ने अपने इस्तीफे में कई आरोप लगाए हैं। नूरी खान कमलनाथ की सबसे करीबी मानी जाती है। नूरी की इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस का माहौल गर्म हो गया है। जानकारी के अनुसार उज्जैन में कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार नूरी खान ने अचानक अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस को चौंका दिया। नूरी खान ने कहा है कि अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की पार्टी में अनदेखी की जा रही है। जब पार्टी में मेरे जैसे लोगों की स्थिति खराब है तो दूसरे कार्यकर्ताओं का क्या होगा। पार्टी की विचारधारा अल्पसंख्यक समाज के प्रति भेदभाव कर रही है। नूरी खान ने आगे कहा है कि यह मेरा राजनीतिक आरोपी नहीं है। आप खुद आकलन करें कि प्रदेश, जिले और अन्य कमेटियों में कितने अल्पसंख्यक हैं। पार्टी के किसी भी संगठन में कोई भी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। यह मैं नहीं, इतनी मेहनत और लगन से कार्य करने के बाद भी अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार पदों पर नहीं बैठाया गया है। बता दें कि नूरी खान कमलनाथ की खास मानी जाती है। नूरी खान कांग्रेस में तेज तर्रार नेताओं में से एक है। कोरोना काल में नूरी ने आगे आकर अस्पतालों की हालातों पर कई प्रदर्शन किए, बल्कि कई अस्पतालों की लापरवाही उजागर की। आपको बता दें कि नूरी खान ने अपना इस्तीफा कमलनाथ को भेजा था। हालांकि नूरी खान ने 2 घंटे बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, लेकिन नूरी खान के इस्तीफे की खबर के बाद से कांग्रेस में भूचाल आ गया था। नूरी खान ने अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद बताया कि मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, उन्होंने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।